आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। तो इस आज के टॉपिक ऑप्टिक्स में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है प्लेन सर्फेसेस के थ्रू तब उसका क्या फंडामेंटल होता है। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में जो हमारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे उसमें नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर के केस में। उसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक है हमारा वो होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सर्फेसेस। कर्व्ड सर्फेसेस में हम देखेंगे लेंस क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, पावर क्या होती है लेंस की, वो एबरेशन, एंड जो अगला हमारा टॉपिक है वो डिफेक्ट्स ऑफ अ लेंस, कि लेंस में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए जानने जरूरी हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रिज्म, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उन पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करी जा सकती है उनको हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रखा है। तो ये आपके पास एक इंसिडेंट रे है, इस तरीके से जब ये सरफेस से टकराएगी, तो जब इंसिडेंट रे सरफेस से टकराएगी तो इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रही है वो है आपका इंसिडेंट एंगल, और जो ये रिफ्लेक्ट होकर रह गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये तो बात रही रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये बोलता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि ये रे आई यहाँ से सरफेस से टकराई और इधर निकल के चली गई, या आपने इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रा किया हुआ था, ठीक है। तो आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये है रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। उसके बाद जो दूसरा लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का, कि जो आपके पास एंगल आई है ये इक्वल होगा एंगल आर के। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, पहला लॉज ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है सरफेस पे वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे, और दूसरा कि एंगल आई आपका जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये तो बात रही रिफ्लेक्शन की। अब हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन वाला केस कैसे फॉलो होगा जब आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो थ्रू प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में ये रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज कैसे आप देखेंगे। तो प्लेन मिरर के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे क्लब करके रखा हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है कि इमेज फॉर्म्ड जो होगी प्लेन मिरर के केस में वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लेटरली रिवर्स्ड होगी, समझ गए। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आप ऑब्जेक्टिव बना के आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर शो नहीं कर सकता है। तीन ऑप्शन दिए, चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीज, तो आपको भर के आना है कि इन सब ऑप्शन को आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद देख के जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आप भर के आएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली रिवर्स्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स प्लेन मिरर के सामने आप जितनी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस प्लेन मिरर से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेन मिरर से, ये दोनों बराबर होती हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके पास दो प्लेन मिरर हैं उनको आप किसी एंगल पर इंक्लाइन करके रख दो, दो प्लेन मिरर को आप किसी एंगल पर जब इंक्लाइन करके रखोगे तो उससे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, क्योंकि जब आप इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एक इस तरीके से आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की पहले वाले इस प्लेन मिरर के कारण एक इमेज बनेगी, ऐसे ही इस वाले प्लेन मिरर के कारण भी इमेज बनेगी, उसके बाद जो इमेजेस बनेंगी उनकी फिर से रिफ्लेक्शन होगा, उनकी फिर से इमेजेस बनेंगी। तो इस तरीके से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगी उसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आप इसको दो पार्ट में सेग्रीगेट करके एनालाइज कर सकते हो, क्या कि 360 बाय थीटा, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, थीटा है आपका जो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है, दो प्लेन मिरर आपने किसी एंगल पर रख रखे हैं तो थीटा है उन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि 360 बाय थीटा इसकी वैल्यू क्या है। तो 360 बाय थीटा अगर इवन है, अगर जो 360 बाय थीटा की वैल्यू निकल के आती है वो इवन है, तो जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगी वो होगी 360 बाय थीटा माइनस 1। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड वो कितनी निकल के आती है, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1।
मान लेते हैं कि 360 बाई थीटा अगर आपका ऑड आता है तो 360 बाई थीटा अगर ऑड आता है तब आपके पास दो केस निकल के आते हैं। कैसे? कि पहला, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और दूसरा कि अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है। तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब है कि इन दोनों एंगल के बीच का अगर बाइसेक्टर वाला एंगल हम ड्रॉ करें, यहाँ से ये इधर थीटा बाई टू, अगर यहाँ पर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये प्लेन मिरर इस वाले प्लेन मिरर से भी बराबर डिस्टेंस पे है और इस वाले प्लेन मिरर से भी बराबर डिस्टेंस पे, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो इस सिमेट्रिकली प्लेस्ड के केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म निकल के आएगी वो n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये कहीं भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं, यहाँ रख दिया जाए या यहाँ रख दिया जाए, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इस लाइन को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पे यहाँ कहीं रखा जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। तो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड के केस में आप नंबर ऑफ इमेजेस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपका सॉल्व होकर आता है 360 बाई थीटा, कि यहाँ से जो नंबर ऑफ इमेजेस आप निकालोगे वो उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही होंगी इन दो प्लेन मिरर्स के कारण। तो ये हमने देखा कि प्लेन मिरर के केस में किस तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन दिखाओगे और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं, तो इनका आप क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस जो आपके प्रॉब्लम में पूछे जा सकते हैं, कि यहाँ पे आपके पास दो प्लेन मिरर हैं, इनको 90 डिग्री एंगल पर रखा गया है, ये दो प्लेन मिरर हैं जिनको 90 डिग्री एंगल पर रखा गया है और इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है, ये दो आपके पास प्लेन मिरर हैं और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकली एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है और आपसे पूछा जाता है कितनी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ बन सकती हैं। कैसे निकालेंगे आप? हमने एक तो पहले फार्मूला बताया था क्या, कि 360 बाई थीटा आप निकालो, पहले देखो कितना आता है, करते हैं 360 बाई थीटा, इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 90 डिग्री, चलिए 90 डिग्री हमने पुट किया, कितना निकल के आया, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बन के आती हैं वो कितनी आती हैं, 360 बाई थीटा माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 बाई थीटा की वैल्यू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तीन नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अब हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी, हम इन इमेजेस को इस प्लॉट पे भी देखना चाहते हैं कि इमेजेस जो बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इमेजेस बनेंगी। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो सेम सबसे पहले हम इस वाले प्लेन मिरर के कारण देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इस तरीके से जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा इस तरीके से, तो ये आपकी इमेज बनी पहली I1। इसी तरीके से जब हम इस प्लेन मिरर के कारण देखेंगे तो इस तरीके से जितनी डिस्टेंस पे ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ इस प्लेन मिरर से उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ये इमेज बनी I2, दो इमेजेस बन गई। उसके बाद इन दोनों इमेजेस के कारण जो तीसरी इमेज आपकी बनेगी वो इस वाले पॉइंट पे बनेगी, ये होगी आपकी I3। तो इस तरीके से आपने तीनों इमेजेस जो इस केस में बन रही थी इस तरीके से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। इसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसमें बनाए जा सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपके पास ये कोई प्लेन मिरर है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास ये जो मिरर है ये रेस्ट में हो और ऑब्जेक्ट आपका वी वेलोसिटी से मूव करे तो आपकी इमेज कैसे क्या हो, उसका किस वेलोसिटी से आपकी इमेज मूव करेगी वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ऑब्जेक्ट आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इमेज किस तरीके से मूव करेगी, तो जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा वी वेलोसिटी से तो जो इमेज मूव करेगी, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट टी टाइम में ये एस डिस्टेंस इधर इसने ट्रेवल करी होगी, एक सेकंड में मान लेते हैं अभी कि एक सेकंड में एस डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी होगी, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी घट जाएगी, यहाँ पे टू टाइम्स, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये वाली डिस्टेंस होगी, अगर आप इमेज फॉर्मेशन देखना चाहते हैं इन दोनों केसेस में इस तरीके से। तो आपकी इमेज कितना मूव कर गई, तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा v तो जो आपकी इमेज मूव करेगी वो मूव करेगी 2v से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो जो आपकी इमेज है वो मूव करेगी डबल ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है, दैट मीन्स 2v वेलोसिटी से। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इसमें को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन सकती है वो ये कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई प्लेन मिरर दिया गया है और उसके सामने कोई एक आदमी है जिसकी हाइट h है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मिरर की कितनी हाइट इसको ज़रूरत होगी कि वो अपनी इमेज को पूरा देख पाए। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखा रखा है कि आपके पास मान लेते हैं ये कोई मैन है जिसकी हाइट h है और तो इस h हाइट के लिए ये अपनी इमेज पूरी तरीके से देख पाए उसके लिए मिरर की कितनी हाइट चाहिए होगी।
तो मान लेते हैं ये जो आपके इंसिडेंट रे हैं इस तरीके से आके टकराएंगी और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ से भी इमेज इस तरीके से टकराएगी और एंगल आई इज इक्वल टू आर फॉलो करते हुए इस पॉइंट मिल जाएगी। तो ये जो मिरर की हाइट आपको चाहिए होगी वो निकल के आ जाएगी h बाई टू। दैट मीन्स कोई मैन जो किसी मिरर के सामने खड़ा हुआ है उसको अपनी इमेज पूरी देखने के लिए जो मिरर की हाइट चाहिए होगी वो चाहिए होगी h बाई टू। दैट मीन्स मैन की जो हाइट है उसका हाफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए मान लेते हैं ये आपके पास पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। तो इस पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और ये जो दूसरा वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इन विच द लाइट रेज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो ये रेशियो होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के बाद आपको पहला वाला मीडियम म्यू वन दिया जाएगा, दूसरा वाला मीडियम म्यू टू दिया जाएगा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग स्पेसिफाई करके प्रॉब्लम में दिया जाएगा। उसके बाद जब इंसिडेंट रे इस तरीके से आकर टकराएगी दोनों मीडियम की बाउंड्री पे, तब वो दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो वो उसका मूवमेंट किस तरीके से होगा उसको जरा देख लेते हैं। तो जब कभी भी आपको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपके पास रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पर एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है। नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, यहाँ देखा कि ये इंसिडेंट रे थी जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो क्या होगा एंगल आई, और जो ये रे हमारी पहले चल के आई थी उसको इस पाथ पे जाना चाहिए था डॉटेड वाली लाइन पे। पर अब क्या होगा, जब दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो रे है आपकी ये थोड़ा डेविएट करके मूव करेगी। सेम फंडामेंटल है कि जैसे जब कभी भी आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आप क्या करते हो, किनारे किनारे चलने की कोशिश करते हो ताकि आसानी से आप ट्रैवल कर पाओ, आसानी से आप चल पाओ। सेम वही हो रहा है कि ये जो रे है ये क्या करना चाहेगी, ये चाहेगी कि हम नॉर्मल के नज़दीक नज़दीक चलते रहें और इसमें मूव करें। तो ये रे जो है ये नॉर्मल के नज़दीक रह के मूव करेगी, जबकि आपका रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रहा है। अगर इसके अपोजिट होता कि रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती तब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती, यहाँ पे डेंसिटी कम होती, तब क्या होता, जो रे आपकी थी वो नॉर्मल से अवे भी मूव कर सकती थी। ठीक है, तो रे क्या चाहेगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल के अवे मूव करेगी और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की टूवर्ड्स मूव करेगी। तो ये है फिनोमेना रिफ्लेक्शन का कि ये रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, हम चाहते हैं कि एंगल आई और एंगल आर के बीच का कुछ रिलेशन निकाल पाएं ताकि इस जो पूरा फंडामेंटल है इसको हम समझ पाएं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो रे डेविएट कर रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो कुछ भी हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे वो किसके टर्म्स में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू क्या है, फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन क्या है, इनिशियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल आई क्या है, इंसिडेंस एंगल, एंगल आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब ये तो रहा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव, ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रहा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रे है इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट रे की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो वेलोसिटीज़ का रेशियो यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसमें लाइट रे की वेलोसिटी है वी वन और इसमें लाइट रे की वेलोसिटी है वी टू, तो वेलोसिटीज़ का जो रेशियो होगा वो होगा वी वन डिवाइडेड बाई वी टू। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। वी वन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, वी टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। उसके बाद कौन सा रेशियो आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट रे जब इस वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही तब इसकी वेवलेंथ कुछ है, जब ये दूसरे वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही है तब इसकी वेवलेंथ कुछ है, तो वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा, जो टर्म वेरी नहीं करेगा वो है फ्रीक्वेंसी। इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट रहेगी, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है फ्रीक्वेंसी।
कि फ्रीक्वेंसी लाइट रे की कांस्टेंट रहेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ से अगर वेवलेंथ का रेशियो निकालना चाहें तो वी वन इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा वन, तो आ जाएगा लेमडा वन डिवाइडेड बाई लेमडा टू। तो ये आपके पास एक काफ़ी बड़ा फॉर्मूला आ गया है, पर इसमें से कई सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस रिफ्लेक्शन से बन सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो सारे इन्हीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब रे आपकी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों में कॉन्स्टेंट रहेगी या सेम रहेगी वो होगी आपके पास फ्रीक्वेंसी। गलती करके मत आना वरना जनता माफ़ नहीं करेगी। इतना सब बताने के बाद भी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में कॉन्स्टेंट रहने वाली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन में, वो हम देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट क्या होती है और उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले हम नॉर्मल शिफ्ट के लिए देख लेते हैं। ये आपके पास कोई डेंसर मीडियम दिया गया है, मान लेते हैं वाटर है, इसके अंदर कोई एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, तो इस लाइट सोर्स से रेज बाहर निकल रही होंगी। आपको पता करना है कि ये जो बाहर कोई आदमी है इसको ये जो बल्ब दिखेगा, ये जो लाइट सोर्स दिखेगा, वो कितना ऊपर दिखेगा या कितना नीचे दिखेगा, मतलब उसमें क्या शिफ्ट आएगा, जो वो एक्चुअल डिस्टेंस है उसकी, उससे वो कितना शिफ्ट होके दिखेगा इस बाहर जो आदमी देख रहा है एयर में खड़े होके। तो आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये आपके पास वाटर के अंदर कोई एक पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स है जो यहाँ से रेज इमिट कर रहा है। तो इस तरीके से लाइट रे आई, जब इस वाले सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा। अब यहाँ से इसके बाद दो ऑप्शन है, बोले कहाँ जाना है, बोले नॉर्मल के नज़दीक या दूर, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी, तो जो आपके पास रे होगी वो नॉर्मल से दूर हट के जाएगी, दैट मीन्स वो नॉर्मल से अवे डेविएट करेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल था, नॉर्मल से इंसिडेंस एंगल था आपका आई, जो यहाँ से आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल आया है वो निकल के आया है आर। तो आपके पास जब आप यहाँ पे ज्योमेट्री में ड्रॉ करोगे तो आप कि जो रिफ्लेक्टेड रे है जो आदमी को यहाँ दिखेगी, इसको हमने डॉट करके दिखाया, तो आदमी की जो इमेज दिखेगी वो दिखेगी इस पॉइंट पे, आई वाले इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो शिफ्ट निकल के आया है, और ये शिफ्ट कैसा है, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि ये नॉर्मली डेविएट किया है जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है। तो जो शिफ्ट निकल के आया है वो है ओ आई। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस ओ आई की वैल्यू क्या होगी। तो ओ आई की वैल्यू जब इस ज्योमेट्री में आप सॉल्व करोगे, इस ज्योमेट्री से आप आई ओ आई की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो जो आपकी नॉर्मल शिफ्ट निकल के आ जाएगी वो आएगी h टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो बाद में लिखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको यहाँ पुट करना है। h की वैल्यू क्या है, h मीन्स ये इनिशियल हाइट क्या है जो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो ये बाउंड्री है सर्फेसेस की, दोनों मीडियम के बीच की जो बाउंड्री है उसकी हाइट क्या है इस पॉइंट सोर्स से, दिस इज h। तो आपको h की वैल्यू पुट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल के लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ से आप नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर पाओगे। ये प्रॉब्लम पहले भी सिग्निफिकेंट थी, आज भी सिग्निफिकेंट है। महाभारत के केस में भी आपने सुना होगा क्या, अर्जुन ने वो तैरती हुई मछली को नीचे पानी में देख करके ऊपर निशाना लगाया था, सेम फिनोमिना, उनको पता होगा उस टाइम पर रिफ्रैक्शन क्या होता है तभी लगा पाए थे। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि वो शिफ्ट करके दिखेगी, इसीलिए निशाना लगाना मुश्किल होता है जब आप वाटर वगैरह में कोई ऑब्जेक्ट हो आप उसको देखो, क्योंकि आपकी जो लाइट रे है वो शिफ्ट हो जाया करती है। ठीक है, तो ये था आपके पास नॉर्मल शिफ्ट। अब हम देखना चाहते हैं लेटरल शिफ्ट क्या होगा। लेटरल शिफ्ट मीन्स आपके पास ये कोई लाइट रे है और आपके पास ये कोई, मान लेते हैं ग्लास की प्लेट है, ग्लास की प्लेट की थिकनेस है टी, ये आपके पास इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आके टकराएगी। तो यहाँ आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, उसके बाद आपके पास ग्लास की जो शीट है, इस ग्लास की शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एयर से, तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास होके जाएगी। तो पहले इसको इस वाली लाइन के अलॉन्ग जाना था, अब ये नॉर्मल के नज़दीक होते हुए जाएगी। उसके बाद जब ये रे यहाँ पे आके टकराई तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब कहाँ से हो रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब डेंसिटी कम है, तो लाइट रे नॉर्मल से अवे डेविएट करेगी। तो जब नॉर्मल से अवे डेविएट करेगी तो ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा, आई। आपको कैलकुलेट करना है कि जो डेविएशन आया, अब आपने क्या सोचा था कि ये लाइट की इंसिडेंट रे आई, आप यहाँ पे इमेज ऑब्जर्व करने की सोच रहे थे, पर हुआ क्या, जब इमेज बन के आई तो पता चला वो पहले बन गई है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें जो ये शिफ्ट आया, ये जो शिफ्ट आया ये कितना है, और ये शिफ्ट लिटरली आपकी इमेज शिफ्ट हुई है, तो ये इसको, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट हुआ कितना, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसमें ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से जो आप लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करोगे वो आएगा d इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। आई क्या है आपका इंसिडेंस एंगल, आर क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल, टी क्या है थिकनेस ऑफ दिस ग्लास शीट,
और इस वाले फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे तब आप लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये था नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट रिफ्लेक्शन के केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इन पे बेस्ड प्रॉब्लम खूब पूछे जाते हैं, बेहतर हो कि आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल एंगल का। तो एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये कोई डेंसर मीडियम है और इस डेंसर मीडियम में इस तरीके से कोई पॉइंट सोर्स लगा हुआ है। ये पॉइंट सोर्स जब रेज इमिट करेगा, लाइट रेज इमिट करेगा, तो बाहर वाला मीडियम आपके पास एयर है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जब ये पॉइंट सोर्स इमेज यहाँ से रेज इमिट करेगा तो इसके कितने पोर्शन में, ऊपर कितने पोर्शन में आप इन रेज को देख पाओगे। तो इस तरीके से आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने रीजन में आप इस रेज को देख सकते हो। तो यहाँ से जब ये पॉइंट सोर्स रेज इमिट करेगा तो ये रेज इस तरीके से हर रीजन में निकल के जा रही होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली वाली रे यहाँ पे आई, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया आई वन, तो क्या होगी रे यहाँ पे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी, तो क्या होगा यहाँ पे रे नॉर्मल की इस तरीके से आ रही थी। जब जैसे ही ये एयर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगी, एयर में ट्रैवल करना शुरू करेगी, तो क्या होगा एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, तो क्या होगा ये जो रे है ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर हट के ट्रैवल करेगी, इस तरीके से बाहर निकल के इस तरीके से डेविएट करके निकल गई। उसके बाद दूसरी वाली रे आई, फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल से यहाँ पे एंगल आई टू बना रही थी। जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो बाहर एयर है, एयर मतलब रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में नॉर्मल से अवे होके जाएगी, इस तरीके से अवे होके निकल गई। इसके बाद जब हम इस तरीके से रेज दिखाते जाएंगे तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे इस तरीके से हमारी रेज आई, इस पॉइंट से टकराई, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस जब ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद अगर आईसी को हम जरा सा भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये रे जो पहले दूसरे मीडियम में निकल के एयर वाले मीडियम में निकल के जा रही थी, अब क्या होगा अब ये फिर से इसी वाले मीडियम में वापस आना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स उसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके पहले, इस पॉइंट के पहले तक जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे, वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, पर इस पॉइंट के बाद जरा सा भी अगर हम इधर डिविएट करते हैं तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स जो आपकी रेज यहाँ से पास करेंगी वो सारी की सारी रेज फिर से उसी मीडियम में वापस आ जाएंगी। तो ये वाला जो एंगल आईसी है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन होता है देख लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना चाहो, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप यहाँ से लगाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन आईसी डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू क्या है, फाइनल मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू वन क्या है, इनिशियल मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, फाइनल मीडियम है आपका एयर, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल मीडियम है आपका वाटर वगैरह कोई भी मान लेते हैं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है। कंडीशन ये है कि जो ये वाला मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए इस वाले मीडियम से, तभी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। दैट मीन्स आपकी जो लाइट रेज है वो हमेशा ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन ओनली यू विल फाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इस वाले मीडियम का मान लेते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ से जब लिखेंगे साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई म्यू। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री, इसके जरा सा भी अगर हम आगे जाते हैं तो हमको क्या होगा सारी के सारी रेज हमारी उसी मीडियम में वापस आनी शुरू हो जाती हैं। तो साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आई सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ये आई सी है आपका क्रिटिकल एंगल, कि इसके इस एंगल के जरा सा भी अगर आप उधर जाते हो तो क्या होगा सारी की सारी रेज आपकी इसी मीडियम में वापस आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस आईसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, और ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि आप केवल इस पूरे रीजन में लाइट रेज को ऑब्जर्व कर पाओगे बाहर एयर में रह के देखते हुए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एरिया कवर्ड होगा, किस कितने एरिया इसका ऊपर विजिबल होगा, अगर आपके पास ये वाटर भरा हुआ है और उसके बाहर आप एयर में देखना चाहो तालाब जैसा कोई है, तो आप उस तालाब का कितना एरिया लाइट से कवर्ड होगा, कितने एरिया में लाइट मौजूद रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, मान लेते हैं ये हाइट h है, ये हाइट h है, यहाँ से आप ज्योमेट्री से एंगल निकाल सकते हो। जब आप एंगल निकाल लोगे तो आप यहाँ से रेडियस ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना एरिया ऊपर का ये विजिबल होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ऊपर जो आपके पास ये पानी भरा हुआ है ऊपर कितने एरिया में ये जो लाइट रेज हैं ये आपको ऊपर दिखाई देंगी। तो आप इस फॉर्मूले से आए ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जहाँ आप ज्योमेट्री से निकाल लोगे तब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने एरिया इसका विजिबल होगा जब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी तक हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
आप इस पर आसानी से प्रॉब्लम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेस, जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कर्व्ड सर्फेस पे किस तरीके से होगा। तो जब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे कर्व्ड सर्फेस पे, तो मान लेते हैं इस तरीके से आपके पास कोई कर्व्ड सर्फेस है, या बाहर आपके पास एयर है या कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और इस तरीके से जो आपके पास ये कर्व्ड सर्फेस है इसके अंदर का ये मीडियम जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है म्यू टू। ठीक, तो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। हम देखना चाहते हैं कि इस कर्व्ड सर्फेस के कारण किस तरीके से होगा रिफ्रैक्शन। तो इस यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से जब हमने रे पास कराई तो आकर के ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई, तो ये क्या है, ये आपके पास कर्व्ड सर्फेस है। तो कर्व्ड सर्फेस पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो कर्व्ड सर्फेस पे आप नॉर्मल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, मान लेते हैं आपके पास कोई सर्कुलर इस तरीके से कर्व्ड सर्फेस है, तो जब इस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से होके जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास जो कर्व्ड सर्फेस है इस तरीके से इसका कुछ सेंटर रहा होगा, अगर इसके सर्कल को आप कंप्लीट करें, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है O। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो रेज आपकी बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, दिस म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन। तो जब म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या होंगी, नॉर्मल की तरफ आना चाहेंगी, क्योंकि अंदर जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे टकराई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो रेज को इस लाइन के अलॉन्ग जाना था। ठीक है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए वो इधर डेविएट करेगी, नॉर्मल के पास आएगी, तो नॉर्मल के पास जब रे आई तो इसको इस तरीके से गई। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन जब हम देखेंगे तो इसको हम इधर बढ़ाएंगे तो हमको इमेज यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, इमेज की डिस्टेंस है वी, और ये जो सेंटर ओ है, और इस सेंटर ओ से इस तरीके से अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला डराइव करेंगे ज्योमेट्री वगैरह से, यहाँ से फॉर्मूला डराइव होता है, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं इसको। तो जो फॉर्मूला डराइव होकर आता है वो है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इस फॉर्मूले का यूज़ आप जब अब आगे भी लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में ये फॉर्मूला हर रिफ्रैक्टिंग कर्व्ड सरफेस पे अप्लाई होगा, क्योंकि जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तभी आप लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, वो आप निकाल पाएंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले का ही एक एक्सपेंडिंग रूप है, क्योंकि जब आप इस वाले फॉर्मूले को लेंस के दोनों सर्फेसेस कर्व्ड सरफेस के लिए लगाओगे तब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, या फिर फोकल लेंथ वगैरह लेंस की कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो वो सारी चीज़ें आपके इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी था कि जब आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया था, यहाँ से रे गई, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या होगा, रे आपकी नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगी, इस तरीके से डेविएट कर गई, तो जो आपकी इमेज फॉर्मेशन हुआ वो इस पॉइंट पे हुआ, ये डिस्टेंस यू है, ये डिस्टेंस वी है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया वो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेंस के केस में क्या होता है। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेस। आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जो कि टू सर्फेसेस से बाउंडेड हो, किस तरीके से, आपके पास इस तरीके से भी बाउंडेड हो सकता है, ये भी आपके पास एज अ लेंस बिहेव करेगा, इस तरीके से बाउंडेड हो सकता है, ये भी आपके लेंस की तरह के बिहेव करेगा, इस तरीके से बाउंडेड हो सकता है या इस तरीके से बाउंडेड हो सकता है, ये जितने भी बन रहे हैं ये लेंस के रूप, ये सारे ही आपके एज अ लेंस बिहेव करेंगे, क्योंकि लेंस की जो फंडामेंटल डेफिनेशन वो ये है कि आपके पास दो कर्व्ड सर्फेस होने चाहिए, और दो कर्व्ड सर्फेस इस तरीके से होने चाहिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडिया कवर करते हों अपने इनसाइड में। तो इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट मीडिया इन दोनों के बीच में है, और ये दोनों कर्व्ड सर्फेस हैं, ये कर्व्ड सर्फेस का शेप कोई भी हो सकता है, उसको जब हम आगे भी देखेंगे तो डिफरेंट केसेस में किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे लेंस के लिए वो हम अभी आगे देख लेंगे। तो ये था आपके पास लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेस। अब लेंस के केस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको जान लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस तरीके का जो लेंस होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, और जो इस तरीके का लेंस होता है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। ये दो लेंस काफ़ी फेमस हैं अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिहाज से भी, इसलिए इन दोनों के स्टडीज़ पे ही हमारा इस क्रैश कोर्स का जो वीडियो है वो बेस्ड रहेगा। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब हम जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल रेज पास कराते हैं तो वो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इस फोकस की जो ये लेंस से डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ, और जो ये लेंस का बीच का पॉइंट है इसको बोलेंगे हम, ये हमारा क्या है, ये दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर।
और ये जो एक्सिस है जो हमने लेंस के मिड पॉइंट से ये एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, ये एक्सिस है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में दो चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो कॉन्केव लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। इनकी डेरिवेशन आप कहीं भी आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कि ये क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव होता है। बेसिकली ये साइन कन्वेंशन होता है जिसके थ्रू जो फोकल लेंथ निकल के आती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। तो प्रॉब्लम्स में आप किस तरीके से जब लेंस की प्रॉब्लम आएगी कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे आपने इस तरीके से एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और इस तरीके से वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब जब कभी भी आपके पास ऑब्जेक्ट, अगर आप यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप यू पॉजिटिव लोगे, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखते हो तो यू जो ये यू होगा आपका ये नेगेटिव लोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप चलते हो तो ये सारी डिस्टेंसेज आपकी पॉजिटिव होती हैं, जब एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो ये सारी डिस्टेंसेज आपकी नेगेटिव होती हैं। ऐसे ही जब ऑप्टिकल सेंटर से आप ऊपर जाओगे तो सारी हाइट्स जो होंगी वो आपकी पॉजिटिव होंगी, और जब आप नीचे जाओगे तो जो सारी हाइट्स होंगी वो आपकी नेगेटिव होंगी। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है जब आप इस लेंस से बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है और उसकी डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हो। मैं केवल आपको डेरिवेशन का स्टेप बता दूंगा, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के उसको समझ सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको एक लेंस दिया गया है, तो लेंस में आपके पास दो सर्फेस है, एक पहला ये वाला कर्व सर्फेस और दूसरा ये वाला कर्व सर्फेस। तो अभी जो हमने पहले देखा कि अगर आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस आपको दिया गया हो और कर्व्ड सरफेस के कारण आपको रिफ्रैक्शन कराना हो, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो उस फॉर्मूले को आप पहले आप इस सरफेस के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद इस दूसरे वाले सरफेस के लिए अप्लाई करोगे। इन दोनों सरफेसेस कारण जब उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तब यहाँ से जो आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा उसमें कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जब आप एडजस्टमेंट करोगे तब आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। आर वन एंड आर टू क्या है? आर वन है आपका इस वाला जो पहला वाला कर्व सर्फेस है इसका जो रेडियस है, ऐसे ही आर टू है आपका जो दूसरा वाला कर्व सर्फेस है इसकी जो रेडियस है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। यह है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, कब? जबकि आपको पता हो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिस मीडियम में ये लेंस रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तब आप लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे बनाया जा सकता है कि जैसे लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस मीडियम का जिसमें ये लेंस रखा गया है। दैट मीन्स अगर आप इस लेंस को एयर में रख रहे हो तो उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, पानी में रख के देख रहे हो तो उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाहर का मीडियम बदल चुका है। तो फोकल लेंथ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर भी डिपेंड करता है, साथ के साथ ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रह के आप इस लेंस को ऑपरेट कर रहे हो। दैट मीन्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर भी लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें इस लेंस को किसी, मान लेते हैं वाटर में डुबा दिया जाता है, इस लेंस को वाटर में रह करके एक्सपेरिमेंट आपका कराया जाए, तब क्या होगा कि जो म्यू टू होगा ये जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो उतना ही बना रहेगा, जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, तो यहाँ पर जो म्यू वन है वहाँ पर म्यू वाटर हो जाएगा। तो आप यहाँ से म्यू वाटर पुट करेंगे, आर वन आर टू कॉन्स्टेंट रहने वाला है क्योंकि लेंस की जो कर्व्ड सरफेस है इनकी रेडियस कॉन्स्टेंट रहेगी। आप यहाँ से पुट करके लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बातें नहीं कि लेंस मेकर्स फार्मूला की और किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई आप करेंगे इसको, वो भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो लेंस की पावर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले से आप लेंस की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टर्म इसमें खूब पूछा जाता है वो है मैग्नीफिकेशन, कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट स्मॉल एच है तो जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी। तो ये जो मैग्नीफिकेशन होता है, दिस इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने लेंस के बारे में ये सारे बातें जान ली, उसके बाद अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को आप कंबाइन करें तब आप उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, व्हेन दीज टू लेंसेज आर प्लेस
साइड बाय साइड, इन दोनों लेंसेज को बिल्कुल चिपका के रखा गया है, इन दोनों के बीच का कोई भी गैप नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके पास दो लेंस है, पहले लेंस की फोकल लेंथ है F1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है F2, ठीक है। तो इन केस में इन दोनों लेंसेज की जगह पे आप रखना चाहते हो एक इक्विवेलेंट लेंस जिसकी फोकल लेंथ उतनी हो जितनी इन दोनों लेंसेज की है। तो यहाँ से जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आ जाएगा 1/F = 1/F1 + 1/F2। अब यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यूज़ में आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपके पास पहला कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही हैं, तो आपकी पहली भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, दूसरी भी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस एफ जो कि भी वैल्यू होगी वो आप पुट करोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे। मान लेते हैं कि जो पहला आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है और दूसरा वाला लेंस आपके पास कॉन्केव है, तो पहले वाले की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आएगी, दूसरे की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तब आप यहाँ से जो फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू पुट करोगे, जैसे इस केस में आप यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, 1/F = 1/+F। मान लेते हैं कि दोनों की जो फोकल लेंथ है वो मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन में अपोजिट है, कि ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस इसलिए प्लस एफ, ये आपका कॉन्केव लेंस इसलिए माइनस एफ। तो 1/+F - 1/-F, तो यहाँ से जो नेट निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये जो लेंस है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है दोनों लेंसेज का, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव, ये एज अ लेंस बिहेव ही नहीं करेगा। दैट मीन्स ये रखा हो या ना रखा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपकी इमेज फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप 1/F = 1/F1 + 1/F2 कैलकुलेट करोगे तो इसमें साइन का भी ध्यान रखना है आपको कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस एफ, कॉन्केव लेंस है तो माइनस एफ। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इस लेंस के कॉम्बिनेशन में, कि यहाँ पे इन दोनों लेंसेज को हमने साइड बाय साइड रखा था, मतलब काफ़ी नज़दीक रखा था। अगर अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंसेज को डिस्टेंस डी से सेपरेट कर दें, अगर यहाँ पे इन दोनों लेंसेज को हम डिस्टेंस डी से सेपरेट कर दें तब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपकी निकल के आ जाएगी, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/F = 1/F1 + 1/F2 - d/F1 + F2। डी क्या है, ये जो दोनों लेंस आपके रखे हुए हैं उन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। सेम फंडामेंटल जो हमने यहाँ बताया था यहाँ भी अप्लाई हुआ, क्या कि अगर आपके पास दोनों लेंस कॉन्केव हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स F1 और F2 की वैल्यू आप माइनस साइन के साथ पुट करोगे। दोनों कॉन्वेक्स हैं तो दोनों प्लस साइन के साथ, एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉन्केव है तो ये प्लस एफ, ये माइनस एफ, पहला कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स है तो ये माइनस एफ, ये प्लस एफ। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे। मान लेते हैं आपको इमेज फॉर्मेशन निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कारण, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इन दोनों की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, उसके बाद 1/F = 1/V - 1/U फॉर्मूले से आप आसानी से जो आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, जो कुछ भी अननोन होगा, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हम देखना चाहते हैं कि जो अभी तक हमने लेंस के बारे में देखा, अगर इस लेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बनाया जाए तब क्या होगा, कि मान लेते हैं ये जो आपका लेंस है इसके 5 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया है इस तरीके से, ऊपर पहले वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, फिर μ2, μ3, μ4, μ5, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलकर बना हुआ है ये लेंस। तो इस केस में जो लेंस है इसकी उतनी ही ज़्यादा फोकल लेंथ भी हो जाएंगी, इसमें 5 पार्ट्स में इस लेंस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो यहाँ पे 5 फोकल लेंथ भी एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पे लेंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलकर बनाया गया है, तो यहाँ पे इसलिए 5 फोकल लेंथ एग्जिस्ट करेंगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचता है वो है कटिंग ऑफ लेंसेज। अब क्या कर रहे हैं, आपके पास लेंस है इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो कट करने की दो पॉसिबिलिटी हैं, आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करें या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली कट करें। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे तो आपके पास ये पहला पोर्शन मिलेगा लेंस का, ये दूसरा पोर्शन मिलेगा लेंस का। तो आप निकालना चाहते हैं कि इस वाले जो पोर्शन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और इस दूसरे वाले पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो जब आपने सिमेट्रिकली कट किया है तो जितना इसका होगा उतना ही फोकल लेंथ इसका भी होगा, इस पहले वाले पोर्शन का फोकल लेंथ बराबर होगा दूसरे वाले पोर्शन के फोकल लेंथ के। और जो फोकल लेंथ के लिए आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया है वो है 1/F = μ - 1/R - 1/R2। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होने वाला है, बाहर जो है मीडियम वो भी उतना ही रहने वाला है, रेडियस जो है इसकी पहले जितनी थी उतनी अभी भी है, इस दूसरे वाले पोर्शन की जितनी रेडियस थी उतनी अभी भी है। दैट मीन्स आपकी फोकल लेंथ वेरी नहीं करेगी, आप इस लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग चाहे जितने पार्ट्स भी कट कर दो। ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें यह है कि लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आप चाहे जितने पार्ट्स में कट करो, लेंस की फोकल लेंथ वेरी नहीं करेगी।
इसके बाद अगर लेंस को आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली कट करते हो तब क्या होता है कि पहले वाला हाफ पोर्शन ये, बाद का हाफ पोर्शन ये, इन हाफ पोर्शन दो हाफ पोर्शन हमको मिले हैं, इन दोनों की फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, 1/f = μ - 1। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटर सराउंडिंग्स। तो म्यू यहाँ पे सेम रहने वाला है क्योंकि लेंस आपके पास वही था, आपने इसको दो पार्ट में कट कर दिया है, तो कट कर दिया है तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू उतना ही रहने वाला है, पर यहाँ पे वेरी करेगा आपके पास रेडियस, कि पहले वाले ये जो पोर्शन है इसका रेडियस R1 है, पर यहाँ पे जो दूसरा वाला पोर्शन था पहले इसकी रेडियस R2 थी, अब कितनी हो गई है, ये R = ∞। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ है वो वेरी कर जाएगी, कितनी वेरी कर जाएगी, इस फॉर्मूले में आप R2 = ∞ पुट करके निकाल सकते हैं कि इन जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिले हैं आपको इसकी फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। तो लेंस को जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे तब उसकी फोकल लेंथ वेरी नहीं करेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप परपेंडिकुलरली कट करेंगे तो लेंस की फोकल लेंथ वेरी करेगी। इसको आप निकालेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला से। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूरी था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रॉब्लम खूब बनाई जाती हैं तो आप इनके ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं एब्रेशन, दैट मीन्स डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं जब हम कोई इमेज फॉर्मेशन करते हैं लेंस के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक दैट मीन्स, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर से रिलेटेड। तो क्रोमेटिक एब्रेशन में मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कोई लेंस था, इसमें आपने व्हाइट लाइट पास कराई। जब आप व्हाइट लाइट पास कराओगे तो व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स। व्हाइट लाइट जो है आपकी मिक्सचर होती है कलर्स का, विबग्योर तरीके से 7 कलर्स इसमें मिक्स रहते हैं, तो वो मिक्स होकर व्हाइट लाइट बन जाती है। तो जो व्हाइट लाइट है जब वो मिक्सचर ऑफ कलर है इस लेंस पर फॉल करेगी तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ वायलेट, फिर इस तरीके से बढ़ते हुए लास्ट में रेड वाला जो कलर है वो इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। तो ये जो नंबर ऑफ इमेजेस मिल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, ये जो नंबर ऑफ इमेजेस मिल रही हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, इसको बोल रहे हैं ये क्रोमेटिक एब्रेशन। दैट मीन्स ये लेंस का डिफेक्ट है कि जब आप व्हाइट लाइट इस पे पास कराते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इमेजेस मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये है आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। उसके बाद देखते हैं स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। इस तरीके से आपका लेंस है तो लेंस के जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक वाली रेज है उनको बोलते हैं पैराक्सियल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट के जो रेज निकलती हैं उनको बोलते हैं हम मार्जिनल रेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नज़दीक वाली रेज हैं दैट मीन्स जो पैराक्सियल रेज हैं वो इमेज फॉर्मेशन दूसरी पॉइंट पे करती हैं, और जो ये मार्जिनल रेज हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन करती हैं। दैट मीन्स ये जो डिफरेंट पोर्शंस हैं आपके लेंस के वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका इमेज होगा वो आपके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इतने पोर्शन में। तो ये जो आपके पास डिफेक्ट निकल के आ रहा है इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम स्फेरिकल एब्रेशन। तो इस स्फेरिकल एब्रेशन में, ये स्फेरिकल एब्रेशन हो क्यों रहा है जानना जरूरी है, क्योंकि जो आपने अभी तक लेंस के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं वो लेंस इस तरीके से माना जाता था कि उसमें डेरिवेशन में 1/f = 1/v - 1/u जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो क्या है कि आप इस जो परपेंडिकुलर इसको मानते थे और जो लेंस की थिकनेस थी उसको आप नेग्लिजिबल मानते थे, केवल उसी केस में आपके सारे फॉर्मूले वैलिड हो रहे थे। पर यहाँ क्या है, आपका लेंस साइज में बड़ा है तो इस वजह से पैराक्सियल रेज आपकी अलग इमेज बना रही हैं, मार्जिनल रेज आपकी अलग इमेज बना रही हैं, और ये डिफेक्ट जो है ये हो रहा है स्फेरिकल एब्रेशन के कारण। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो बचता है प्रिज्म क्या होता है, और प्रिज्म के थ्रू जब आप रिफ्रैक्शन को दिखाएंगे तो किस तरीके से उसमें फॉर्मूला निकल के आएगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख लेते हैं। ये आपके पास प्रिज्म दिया गया है, इस प्रिज्म पे जब हमने एक इंसिडेंट रे फॉल कराई तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे वो एंगल बना रही है दैट इज I1। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिज्म का जो अंदर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। दैट मीन्स प्रिज्म के अंदर जो है वो डेंसर मीडियम है, बाहर एयर वगैरह है तो वहाँ पे रेयरर मीडियम है। तो जब रे तुम्हारी अंदर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगी क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो जब ये रे नॉर्मल की तरफ डेविएट करी उसके बाद पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, और इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तब रे आपके पास करेगी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, जो आपकी रे है वो नॉर्मल से अवे हटेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की डेंसिटी कम है। तो जब डेंसिटी कम है जो रे को इधर जाना चाहिए था अभी क्या करेगी, इस नॉर्मल से अवे हट के जाएगी। तो नॉर्मल से जब अवे हट के गई तो रे आपकी इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है
कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि प्रिज्म का एंगल आपको दिया गया है, दैट मींस प्रिज्म की आपको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज पता है और आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जबकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इस तरीके से, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आप इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। उसके बाद इस सरफेस पे लगाओगे फॉर्मूला रिफ्रैक्शन वाला। उसके बाद ज्योमेट्री से आप यहाँ से कुछ वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो होगा म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। यह है आपका प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप यहां से निकाल सकते हैं, जबकि आपको जो प्रिज्म की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता हैं और दूसरा डेल्टा एम पता है। डेल्टा एम क्या है कि रे आपकी इस एंगल पे आई है और किस एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गई है, दैट मीन्स आपको पता है कि ये रे में डिफ्लेक्शन कितना है, ये डिफ्लेक्शन है डेल्टा एम, तो आपको डेल्टा एम की वैल्यू पता है। और प्रिज्म की जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाला कैपिटल ए जो एंगल है प्रिज्म का, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक स्पेशल केस ये बनता है कि अगर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, तब आप क्या करोगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू की जगह पे आप लिख सकते हो ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। इसी तरीके साइन ए बाई टू की जगह पे भी आप लिख सकते हो ए बाई टू। तब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी प्रिज्म की जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है कैपिटल ए और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के टर्म में, वो निकल के आ जाएगी डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल ए। म्यू क्या है? म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कैपिटल ए है आपका ये वाला एंगल, तो यहाँ से आप रे में कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके पास जो डिफ्लेक्शन निकल के आया है ये एक स्पेशल केस के थ्रू निकल के आया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ये एक अप्रॉक्सीमेशन लिया है कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू की जो वैल्यू है वो ए प्लस डेल्टा एम बाई टू है। कब ये है कि ए प्लस डेल्टा एम बाई टू की वैल्यू जो ये एंगल की वैल्यू है जब काफ़ी स्मॉल होगी तब आप इसकी जगह इसको रिप्लेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये था प्रिज्म के केस में किस तरीके से आप डिफ्लेक्शन निकालोगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। इसके बाद जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें जो हमारे पास टॉपिक बचते हैं वो है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के केस में आप जानते हो माइक्रोस्कोप, आप जब काफ़ी आपके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मॉलिकुलर लेवल पे आपको किसी चीज़ को देखना हो तब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। तो माइक्रोस्कोप होते हैं आपके दो टाइप के, कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में आपके पास केवल एक ही लेंस होता है और इस लेंस के थ्रू आप जो आपके पास वस्तु है उसके स्मॉल स्मॉल मॉलिकुलर लेवल पे आप देखना चाह रहे हो, आपके पास केवल एक सिंपल लेंस है। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ जाएगी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए वो होगी 1+L/D। 1+L/D में यहाँ से आप मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज नियरेस्ट विजन डिस्टेंस जो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर, जहाँ तक आप क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो नेकेड आई से। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अगर देखना चाहें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो लेंस लगे रहते हैं, तो वो वाला लेंस जो आपकी आई के नज़दीक है उसको बोलते हैं हम आई पीस, और वो लेंस जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपके पास दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। तो इन दोनों के कारण जो मैग्नीफाइंग पावर आपके पास निकल के आती है वो आती है वी नॉट बाई एफ नॉट 1+1/FE। एफ नॉट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो यहाँ से आप मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। रे डायग्राम मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, आप किसी भी बुक में स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं ये रे डायग्राम इनका किस तरीके से है। आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला निकल के आया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं टेलीस्कोप। ये जब काफ़ी दूर की चीज़ें आपको देखनी हो तब आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके पास जब ऑब्जेक्ट काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ हो। तो टेलीस्कोप के केस में आपके पास 2-3 टेलीस्कोप होते हैं आपके सिलेबस में, जो है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस आपके पास लगे होते हैं, वो लेंस जो आपके ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस जो आपकी आई के नज़दीक रखा हुआ है उसको बोलते हैं आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस इन दोनों में जब आपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इन दोनों का सेटअप तैयार किया हुआ है तो जो ऑप्टिकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकल के आ जाएगी वो होगी एफ नॉट प्लस एफ ई। एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ से कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी टेलीस्कोप के वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर देखना चाहें तो मैग्नीफाइंग पावर आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? एफ नॉट बाई एफ ई 1+FE/D। कैपिटल डी क्या है? 25 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर जो आप नेकेड आई से किसी वस्तु को देख सकते हैं, दैट इज़
25 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी की जगह पे आपको 25 पुट करना है। बाकी ये एफ ओ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। उसके बाद जो दूसरा टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है वो है टेरिस्टिकल टेलीस्कोप। तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला निकल के आता है एफ नॉट बाई एफ ई। तो इस तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो सारी बातें थी वो हमने कवर करी इस टॉपिक में। तो आज के इस लेक्चर में, ऑप्टिक्स वाले लेक्चर में, हमने इन सारे पॉइंट्स की थॉरो स्टडी की है। हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उन सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी की है। उन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, हमने उसकी भी कुछ वेराइटीज़ देखी हैं, कुछ वेराइटीज़ आपको बताई हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपनी किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको आप तैयार कीजिए। तो अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में ज़रूर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।